योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने फेरा पानी। अल्ट्रासाउंड पर अवैध पैसे की वसूली की शिकायत। अल्ट्रासाउंड कराने वाले मरीजों ने लगाया आरोप। 8 बजे से 10 बजे तक बैठे रहते हैं लोग। 100 रुपए देने वाले लोगों का तुरंत होता है अल्ट्रासाउंड। पहले भी जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड वार्ड के कर्मचारियों पर पैसे लेने का लग चुका है आरोप। संबंधित शिकायत पर पहुंचे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस एन मिश्रा बताए निराधार आरोप। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया संबंधित आरोपों की होगी जांच, दोषी पाए जाने पर होगी कार्यवाही। मामला बांदा जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड वार्ड का। यहाँ अस्पताल किस लिए आए थे आप अल्ट्रासाउंड करवाने? क्या किस प्रकार की समस्या आ रही है? पेट दर्द कर रहा था तो यहाँ अल्ट्रासाउंड करवाने आए थे। तो क्या हुआ यहाँ? 9 बजे से 8 बजे से 10 बजे तक चालू रहता था, फिर बंद करके चले गए और जो हमारे साथ निकले थे उनके पर्चा जमा करिए, हमको पहले थे कि ज़्यादा नहीं, हम ये पूरे होकर चले। अच्छा, पैसे मांग रहे हैं? अच्छा, जो पर्चा नंबर लगाते हैं वो पैसे मांग रहे थे आप? तो हम नहीं दिए तो हमारा पर्चा भी गुम कर दिए, पर्चा भी नहीं दिए तो करोगे भी नहीं बैठे। अब बताओ, खाना भी नहीं खाए, चक्कर आ भी रहा है, चल नहीं सकते कि कहीं चल भी जाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? ऋषभ श्रीवास्तव। यहाँ जिला अस्पताल में कैसे गए आगे? मैं यहाँ पे अपना मरीज लेके आया था। मैं सुबह यहाँ पे 9 बजे आ गया, ठीक है, 9 मतलब 8 बजे से 10 बजे तक लोग पर्चा जमा करते हैं। मैं आया, इनने मुझसे कहा कि पर्चा करना बंद हो गया। उसके बाद इनने मुझसे 100 रुपये मांगे, मैंने इनको दे दिया। पैसा किसने मांगा? ये जो पर्चा लगाते हैं। अच्छा, नंबर लगा रही है। अच्छा, उसके बाद इन्हें मैंने 100 रुपये दे दिए। उसके बाद भी हमारा अभी तक नंबर नहीं आया। 65 नंबर कम से कम पौन घंटे हो गए, अभी तक नहीं भरा। इतने लोग खड़े हैं, सबसे पूछ लीजिए, ठीक है, सभी लोगों से पैसे मांगे, सबसे लिए। और जो पैसे दे दिया उनका काम हो गया, जिन्होंने नहीं दिया वो खड़े। वो आपने भेज दिया था? मैंने दिया, लेकिन उनने मतलब उनने मुझसे 300 रुपये मांगे थे, मैंने 100 दिया, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। अभी इनने क्या किया कि मतलब 2 बजे तक का टाइम अल्ट्रासाउंड को, उनने कहा 1 बजे से करें बंद, 1 बजे के पहले वो लोग ताला लगा के चले गए। पैसे मांगने की शिकायत आपने किसी अधिकारी से कहा? नहीं, किसी ने नहीं कहा। भैया हम लोग बाहरी आते हैं, आप लोग इकट्ठे जो है भीड़ लगा। वार्ड में कर्मचारी के द्वारा जो नंबर लगाता है, द्वारा पैसे लेने का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट या एक्सरे के डॉक्टर नहीं है। ये डॉक्टर सुरेश कुमार है, महोबा में इनकी पोस्टिंग है। अपर निदेशक महोदय के आदेश अनुसार सप्ताह में 3 दिन यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करते हैं और एक्सरे कार्य की रिपोर्टिंग कार्य भी करते हैं। परंतु सप्ताह में 3 दिन ही अल्ट्रासाउंड हो पाता, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। और आज जो है 9 तारीख है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस है, जो अल्ट्रासाउंड के साधारण रोगी और गर्भवती महिलाएं भी यहाँ तमाम आ गई। बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए थोड़ा सा अराजकता फैल गई। ये हमारे कर्मचारी हैं, ये कोई पैसा नहीं लेता, इन पर लगाया गया आरोप सरासर गलत है। लेकिन एक प्राइवेट आदमी कई बार आ जाता है और जनता को ठगता है। अगर वो एक बार मैंने देखा तो उसको भेज, मैं उसको नाम भी नहीं जानता हूँ, आप लोग उसका नाम पता करिए, अगर वो पता चल जाए उसके खिलाफ मैं FIR करूंगा। तो इन कार्रवाई सर, इससे पहले भी वार्ड वहाँ से पैसे लेने का, हाँ, उसमें तो कार्रवाई हुई थी। एक जो है वो संविदा का कर्मचारी था, उसका क्या नाम था, लोके, उसको हटाया जाए, नौकरी से हटाया जाए। बाकी ये सब हमारे लड़के अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा अधिक भीड़ करने के कारण जनता जो है टूट के पड़ती है और बिना लाइन के भी लोग कराना, इससे कुछ समस्या हो जाती है। तो डॉक्टर साहब घबरा कर उठ गए थे, देखिए छोटा कमरा अल्ट्रासाउंड का है ना, तो उलझन हो जाती है। डॉक्टर साहब ने 65-70 करीब अल्ट्रासाउंड किया, घबरा के उठ गए थे, फिर मैं समझा बुझा के ले आया कर दिया। तो और चित्रकूट में 2-2 रेडियोलॉजिस्ट पोस्टेड है। मैं आज ही पत्र लिख रहा हूँ अपर निदेशक महोदय, महानिदेशक, प्रमुख सचिव महोदय को, जो चित्रकूट संयुक्त जिला चिकित्सालय में 2 रेडियोलॉजिस्ट पोस्टेड है, उसमें से यहाँ पोस्ट किया जाए, जिससे यहाँ की समस्या। विनीत कुमार, ब्लॉक रिपोर्टर, तिंदवारी, बांदा।